दिल्ली के जो चुनाव हुआ, ये चुनाव बाईपार्टीजन हो गए। एक तरफ आप पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी, और ये रुझान पहले से ही और चुनाव होने का पहले से ही ये सारे जो मीडिया पे रुझान आ रहे थे उसमें सब लोगों को ये पता था कि आप तीसरे बार के लिए सत्ता पे आने वाला है। फिर भी बीजेपी जिस ढंग से शोर शराबा किए हैं और सारे ताकत झोंक दिया था उसमें, बीच में तो ऐसा लग रहा था कि ना आप हार जाए, लेकिन आखिरियत आपकी जीत हुई। मुझे लगता है अच्छा हुआ। हाँ, कांग्रेस का जरूर पराजय हुए हैं और ये पराजय हमारे लिए ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी एक कॉमोनियल फोर्स दिल्ली में हार चुके हैं, ये भी एक चुनाव के बड़ा अहमियत है, क्योंकि आम लोग दिल्ली चुनाव में फैसला ले लिया था कि दोनों शिविरों में वोट डाला जाए। एक शिविर का नाम है आप, दूसरे शिविर का नाम है बीजेपी पार्टी। तीसरी चीज ये है कि इस चुनाव में जिस ढंग से बीजेपी पार्टी कॉमोनियल एजेंडा को बार बार कॉमोनियल एजेंडा को दोहराया और कॉमोनियल एजेंडा को भुनाया, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी की ये जय, ये जो जीत, ये जीत बड़ा अहमियत रखते हैं।